सपना था। अगर असली में ऐसा होता तो अभी तक मैं ज़ॉम्बी बन चुकी होती। भगवान, मुझे ही क्यों आते हैं ऐसे अजीबोगरीब सपने? कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ। दिमाग खराब हो गया मेरा इन सपनों से। अंकल, मुझे एक ब्लू वाला पेन दे दो। अंकल, मेरे को एक पॉकेट डिक्शनरी दे दो। अरे यार, क्या हुआ? पता है, आज ना मैंने इतना डरावना सपना देखा। पता है, मुझे एक वहाँ पे बुक मिली, पुरानी सी, बिल्कुल दादा दादी के जमाने की। और जैसे ही मैंने उसे टच किया ना, मैं ज़ॉम्बीज़ की दुनिया में पहुँच गई। और सबसे डरावनी बात बताऊँ क्या है? अच्छा, ऐसा क्या देख लिया तूने? उसमें ज़ॉम्बीज़ तुम सब बने हुए थे। तेरा मुंह फटा हुआ था, इसके इतने बड़े बड़े दांत, तेरी आंखों से खून आ रहा था। ओए, डरा मत, ज़ॉम्बी वगैरह कुछ नहीं होते। हाँ, चुप कर तू। तुझे पता है ना, हमें बहुत डर लगता है इन चीजों से। पागल है क्या? कैसी कैसी बातें करती रहती है, कभी कुछ सपना देखती है, कभी कुछ सपना देखती है। हमें मत बताया करे अपने सपने। पर मैंने तो सपना देखने के बाद सोच लिया था कि अगर मुझे उस टाइप की ब्राउन कलर की पुरानी सी किताब कहीं भी दिखी ना, मैं तो भग जाऊंगी भैया, मैं तो उसे हाथ भी ना लगाऊं। मत, मैंने बोला था ना ज़ॉम्बी वगैरह कुछ नहीं होते। अरे तुम चुप करो, वहाँ पे दो भैया हैं, मैं उनसे पूछ कर आती हूँ। ठीक है, जा। भैया, भाई साहब, बता सकते हो ये जगह कौन सी है? हेलो भाई साहब, भाई साहब। Oh.
सपना देखती ना तो उस बुक का चूती और ना हम इस सड़ी सी जगह पे आते। मुझे घर जाना है मम्मी। मम्मी की याद आ रही है। यार कुछ तो तरीका होगा ना यहाँ से बाहर निकलने का। तेरी वजह से फंसे हैं तू ही सोच। बुक को छू के तो हम उसके जरिए यहाँ पे आए थे ना, तो हो सकता है कि उसी में रास्ता लिखा हो वापस घर जाने का। कहाँ है वो बुक? बुक कहाँ है? कहाँ है? अरे मुझे क्या पता वो बुक कहाँ है। वो तो हमारी वाली दुनिया में थी जब मेरे हाथ में, उसके बाद मुझे नहीं पता वो बुक कहाँ है। बुक को कहाँ से ढूंढे? ये जगह और वो बुक सपने में देखी थी ना, तू दोबारा सोकर देख, हो सकता है कि वो बुक तेरे को दोबारा दिख जाए कि वो कहाँ पे है। नहीं नहीं मैं क्यों सोऊंगी यहाँ पे, तुम दोनों मेरे को छोड़ के भाग गए तो वो ज़ॉम्बी मेरे को काट लेंगे और अपनी तरह ज़ॉम्बी बना देंगे। मैं नहीं सोऊंगी। देख देख बहन तू टेंशन मत ले, हम तेरे साथ यही रहेंगे, हम तेरी पहरेदारी करेंगे, प्लीज ट्राई कर ले। ठीक है ट्राई कर लेती हूँ मैं तुम्हारे लिए। सो गई? अरे क्या घाक सो गई, नींद ही नहीं आ रही, कहाँ से सोऊँ मैं? मैं हवा करती हूँ तेरे को। ठीक है तुम्हारे हाथ दबा दे। पैर भी मैं लेके आती हूँ।
आंख बंद करो, शायद फिर हम गायब हो जाए। पहुंच गए? नहीं आए यार, वहीं हैं हम तो। हम अपनी दुनिया में क्यों नहीं पहुंचे? हमें तो लगा था इसको टच करते ही पहुंच जाएंगे। अरे यार, हम क्या करें? एक काम कर, इस बुक को खोल के देख, इसमें कुछ ना कुछ ऐसा लिखा होगा जो हमारी हेल्प करेगा अपनी दुनिया में जाने के लिए। ये सब क्या है? अनुराग रिद्धि की प्रेम कथा? ये ज़ॉम्बी की फोटोज? यहाँ ये लड़की खड़ी है पुल पे और ये बाद में दोनों मिल रहे हैं? इन सब का क्या मतलब है? अच्छा, और हमें इन दोनों की लव स्टोरी पूरी करवानी है इस पुल पे मिला के। पर हमें कैसे पता लगेगा कि अनुराग कौन है और रिद्धि कौन है? मेरे पास उसके लिए भी एक प्लान है। क्या? चलो मेरे साथ। बार बार चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। We'll be right back.
समझ गई हूँ मुझे वो सपना क्यों आता था। भगवान मुझे वो सपना इसलिए ही दिखाते थे ताकि मैं उन दोनों ज़ॉम्बीज़ को मिला सकूँ। हमने कितना अच्छा काम किया है ना। हाँ, हमने बहुत अच्छा काम किया है।